डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ टीथ। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था टीथ का स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी ऑफ द टीथ, टीथ के लिए नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड लेयर ऑफ द टीथ, जिसमें अपन ने हाउ टू मोस्ट इनेमल, डेंटिन एंड सीमेंट। इसी में अपन ने कंटिन्यूशन में देखा था कि टीथ की जो लोकेशन है वो मैक्सिलरी बोन और मैंडिबुलर बोन के साथ अटैच होता है। अब दूसरा नेक्स्ट पार्ट अपना है इसमें टाइप ऑफ टीथ। तो टाइप ऑफ टीथ जो है ये क्या होता है, कितने टाइप के टीथ हो सकते हैं, तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ टीथ में। नंबर वन, ए टाइप ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पर टाइप ऑफ टीथ क्या हो सकते हैं, तो डेवलपमेंट एक्चुअल में इस बेस पर टाइप ऑफ टीथ दो टाइप से है। फर्स्ट इज द एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल और फॉल्स टीथ। एक्टोडर्मल और फॉल्स टीथ मीन्स ये डेवलप किससे होता है, डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से डेवलप होगा और ये प्रेजेंट होता है। एग्जांपल देखिए कि किन में पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है कुछ 8 मीटर, 8 मीटर जो होते हैं जैसे एकाइडिना है, तो चींटियों को खाने के लिए, आंट्स को खाने के लिए कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। एक्टोडर्मल टीथ है, एंटीडर्म में प्रेजेंट होता है और ये डेवलप एक्टोडर्म से होता है और एक्चुअली में इट इज मेड अप ऑफ केराटिन, ये केराटिनाइज्ड एक्चुअली टीथ है। केराटिन के बने होने से इन टीथ को हॉर्नी टीथ भी बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड हॉर्नी टीथ। तो हॉर्नी टीथ और एक्टोडर्मल टीथ फॉल्स टीथ है, डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड मेड अप ऑफ द केराटिन, प्रेजेंट होता है एंटीडर्म। दूसरा टाइप देखिए, पहला टाइप अपना ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, टाइप बी ऑन बेसिस ऑफ अटैचमेंट। टीथ किस टाइप से, किस तरह से अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट जो होगा टीथ का बोन से, क्योंकि मैंने देखा था कि टीथ अटैच बोन से होता है किसके थ्रू, एक लिगामेंट का नाम बोलो जल्दी से, ऐसा लिगामेंट जो टीथ को बोन से जोड़ता है, टीथ का नाम लिया था ओडोंटो। ओडोंटो टीथ को चारों तरफ से कवर करता है रूट पार्ट में, इसलिए उसका नाम था पेरीडोंटल लिगामेंट। तो अटैचमेंट ऑफ टीथ, टीथ बोन के किस पार्ट से अटैच है, तो इससे लिखी टाइप है कौन कौन सी टाइप। इसका पहला टाइप है, यानी इस कॉलम में अपन देखते हैं टाइप ऑफ टीथ। सेकंड, इसका अटैचमेंट कहां पर है, कौन सी, और इसका एग्जांपल मींस ये कौन से एनिमल में मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहला जो टाइप है वो देखते हैं अपन एक्रोडॉन्ट। एक्रोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट मीन्स देखिए क्या है, एक्रोडॉन्ट में क्या होगा कि अटैच एट टिप ऑफ बोन, बोन की टिप पर अटैच है। किस टाइप से, जैसे देखिए ये बोन है, ये बोनी पार्ट और ये टीथ टिप पर प्रेजेंट है, दिस इज द टीथ और ये बोन है। तो बोन के अपर पार्ट अपेक्स पर, टिप पर अटैच होता है टीथ, तब इसे नाम देते हैं एक्रोडॉन्ट। अब क्वेश्चन आ सकता है एक्रोडॉन्ट कौन से एनिमल में प्रेजेंट होता है, तो एक्रोडॉन्ट प्रेजेंट इन फिशेस, कुछ जो फिशेस होती है उनमें बोन के टिप पर अपेक्स पर टीथ अटैच होता है। सेकेंड टाइप प्लूरोडॉन्ट, ये आज का एग्जाम्पल,
प्लूरोडॉन्ट, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो एनसीआरटी के बाहर का होता है, उसमें टाइप ऑफ टीथ है। तो प्लूरोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट का मतलब देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होगा। प्लूरोडॉन्ट कैप्चर में ये अटैच होता है बोन से, तो अटैच है, अटैच एट लेटरल साइड, लेटरल साइड में अटैच होगा बोन से। कैसे? देखिए ये बोनी पार्ट है, दिस इज द बोन, और ये बोन के लेटरल साइड में यहां पर टीथ अटैच है। तो बोन के अपेक्स पर टीथ अटैच होता है एक्रोडॉन्ट, बोन के साइड में लेटरल साइड में अटैच होता है प्लूरोडॉन्ट। इसका एग्जांपल देखिए प्लूरोडॉन्ट किसमें मिलता है। प्लूरोडॉन्ट प्रेजेंट इन रेप्टाइल। अब इस रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में ऐसा नहीं होता। तो अपना क्वेश्चन बना, ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें प्लूरोडॉन्ट डेंटिसम, तो प्लूरोडॉन्ट डेंटिसम प्रेजेंट होता है इन ऑल रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़। तो आंसर इसमें क्रोकोडाइल को छोड़। अब अगला क्वेश्चन बनता है, क्रोकोडाइल में टीथ कहाँ अटैच होते हैं। तो क्रोकोडाइल में जो टाइप ऑफ टीथ है ऑन बेसिस ऑफ अटैचमेंट, तो ये जो टाइप है, ये टाइप होता है थीकोडोंट। नेक्स्ट अगला टाइप है थीकोडोंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे टिक कर लीजिए। थीकोडोंट डेंटिसम प्रेजेंट है और होता क्या है। थीकोडोंट डेंटिसम का मतलब है टीथ अटैच्ड या प्रेजेंट इन सॉकेट और एल्वोल, सॉकेट और एल्वोल में प्रेजेंट मीन्स बोन के अंदर गड्ढा होता है, सॉकेट होता है, उसके अंदर टीथ प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये अपर जॉ मैक्सिलरी बोन, अपर जॉ में ये देखिए बोन के अंदर गड्ढे पाए जा रहे हैं, सॉकेट पाए जा रहे हैं। तो दिस सॉकेट, इन सॉकेट को अपन थीकस बोलते हैं, इसलिए कौन सा डेंटिसन है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट डेंटिसन में होगा क्या, ये बोन और इस बोन, ये बोनी पार्ट है, इस बोन के अंदर यहां प्रेजेंट है टीथ, दिस वन टीथ। तो टीथ एक बोनी डिप्रेशन, बोन के अंदर गड्ढे में है, तो इस गड्ढे को थीकस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम थीकोडोंट। तो थीकोडोंट डेंटिसन प्रेजेंट इन एक तो क्रोकोडाइल प्लस क्रोकोडाइल एंड मेमन, क्रोकोडाइल में और मेमन जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन में थीकोडोंट डेंटिसन है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में किसमें प्रेजेंट है, क्रोकोडाइल में। तो क्रोकोडाइल वाला केस एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसे याद रखें। ऐसा क्वेश्चन था, थीकोडोंट डेंटिसन इज फाउंड इन क्रोकोडाइल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेमन, सी बोथ, डी नन। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ के। तो ये अपना क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, टाइप ऑफ टीथ ऑन बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अब ये दो टाइप होते हैं, तीसरा टाइप ऑफ टी देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ टी ऑन बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ये जो टीथ है वो टीथ कितनी बार लाइफ में आके अपीयर होते हैं, तो इसमें टाइप दी। इसका पहला टाइप है मोनो फायोडोंट, सेकेंड टाइप है डाई फायोडोंट,
एंड थर्ड टाइप है पॉली फाइब्रॉइड, मींस अब इनका मीनिंग मोनोफाइब्रॉइड का मतलब है व्हेन मोनोफाइब्रॉइड मींस व्हेन टीथ अपीयर ओनली वंस टाइम, तो ये अपीयर होते हैं ओनली वंस टाइम लाइफ में एक बार आते हैं, ये आते हैं दो बार तो ट्वाइस टाइम, इनकी अपीयरेंस ट्वाइस टाइम होती है, और मेनी टाइम्स कई बार लाइफ में आते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीफाइब्रॉइड। तो मोनोफाइब्रॉइड एक बार आएगा पूरी लाइफ में, एक बार टूट गया गिर गया दोबारा नहीं आएगा। डाइफाइब्रॉइड ऐसे होते हैं जो लाइफ में दो बार आते हैं, पॉलीफाइब्रॉइड कई बार आते हैं लाइफ में, मींस कई बार टूटते हैं कई बार आते हैं। आप ये मोनोफाइब्रॉइड मींस एग्जांपल किसमें प्रेजेंट होता है इसका एग्जांपल देखिए, इन तीनों का एग्जांपल क्या क्या है। तो वंस टाइम इन मोल, मोल मींस छोटा, मोल के अंदर एक बार काम आते हैं लाइफ में। डाइफाइब्रॉइड ह्यूमन का केस है, ह्यूमन में अपन आगे देखेंगे, ह्यूमन में जो मोलर है, मोलर फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, इन फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर लाइफ में ट्वाइस टाइम आते हैं, बाकी के इंसाइजर कैनाइन एंड प्रीमोलर, इसको अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन से दांत लाइफ में एक बार आते हैं दो बार आते हैं। बट ह्यूमन का जो टाइप है वो कौन सा है, डाइफाइब्रॉइड। अब कई बार निकलते हैं वो होती है रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में दांत टूट जाते हैं फिर से आ जाते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ टीथ है ये किस बेस पे हुआ, ऑन बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो अभी तीन टाइप है, पहला डेवलपमेंट के बेस पर, अटैचमेंट के बेस पर, तीसरा अपीयरेंस के बेस पर, कितनी बार टाइप ऑफ कितनी बार दांत निकलते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ नर टीथ का है वो है ये टाइप ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर टीथ कितने टाइप के हो सकते हैं, दांतों का टीथ का क्या स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में ये अपन इनका ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो टाइप है, होमो डोंट पहला टाइप है, सेकंड टाइप है इसमें हेटेरोडोंट एंड होमोडोंट। तो होमो एंड हेटेरो जो टाइप है वो देखिए क्या क्या हो सकता है। होमोडोंट का मतलब है ऐसे टीथ जो सेम टाइप के होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम टाइप है, सेम स्ट्रक्चर होता है। हेटेरो में स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड हेटेरो। सेम टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड होमो, मीन सभी दांत एक जैसा काम करते हैं, इनका सबका फंक्शन सेम होता है तो उसको बोलते हैं होमो। फंक्शन डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, उसको हेटेरो। होमोडोंट होमोडोंट टीथ प्रेजेंट इन फिशेस एंड हेटेरोडोंट प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड मैमल। तो ह्यूमन के केस में जो स्ट्रक्चर टीथ का फंक्शन बेस है ये कौन सा डेंटिशन है, हेटेरो। तो अभी अपने कितना टाइप देखा टीथ का, चार टाइप हो गया बॉल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगला जो अपना टाइप है वो देखिए क्या है, नेक्स्ट टाइप ई मींस टाइप फिफ्थ है ये अपना टाइप है ऑन बेसिस ऑफ रूट कैनाल, जो टीथ था उसके जो रूट रीजन है उसमें जो एपिकल फोरामेन था उस बेस पे कितने टाइप के हो सकते। तो ये दो टाइप है इसके भी, पहला है ओपन टाइप एंड सेकंड क्लोज टाइप, ये दो टाइप के होते हैं ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब है रूट कैनाल ऑलवेज ओपन और इसमें आफ्टर ग्रोथ
आफ्टर ग्रोथ ऑफ टीथ कैनाल क्लोज्ड, इसमें कैनाल क्लोज होता है। तो अब देखिए इसमें कंटिन्यूअस ओपन होती, कंटिन्यूअस ओपन होगी तो टीथ को कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन मिलेगा, तो कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन मिलने से ये ऑलवेज ऑलवेज क्या शो करते हैं, ग्रोथ, यानी वो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते। लेकिन यहां पे आफ्टर ग्रोथ कैनाल रूट कैनाल क्लोज, सो टीथ कैन लिव, टीथ कैन लिव बट नॉट ग्रो, बाद में जाकर के उसकी ग्रोथ नहीं होती। आफ्टर सम टाइम टीथ, जब टीथ कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगा तो उसके बाद में टीथ जिंदा तो रहेगा, लिव तो रहेगा, बट उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब ऐसा किसमें प्रेजेंट होता है, देखिए ओपन टाइप जो टीथ होता है वो किसमें मिलेगा, इंसीजर, इंसीजर ऑफ रैबिट, जो रैबिट है उसके इंसीजर, देखा होगा रैबिट में आगे दो दांत जो होते हैं वो बड़े होते हैं तो कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं, उनका टाइप क्या होता है ओपन टाइप। और ये क्लोज टाइप किसमें प्रेजेंट है, ह्यूमन, अपने केस में देखा होगा, अपने केस में जो टीथ है वो कैसा है, टीथ का जो ग्रोथ है वो कौन से टाइप की, क्लोज टाइप। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसको ओपन टाइप को लेकर, इसमें एक एग्जांपल और है, इंसीजर ऑफ रैबिट, इंसीजर ऑफ रैबिट एंड एलिफेंट, एलिफेंट का केस देखिए, इन केस ऑफ रैबिट एंड एलिफेंट, एलिफेंट के इंसीजर भी कंटिन्यू ग्रो करते, तो वो देखा हुआ हाथी के दिखने वाले दांत बड़े बड़े वेक्चर में है क्या, इंसीजर, और इन इंसीजर को नाम दिया जाता है टस। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में टस, तो एलिफेंट के जो कंटिन्यूस ग्रोथ करने वाले टीथ हैं इनको अपन क्या नाम देते हैं, टस। तो ये एक्चुअल में टीथ कहलाते हैं टस, ये वाला देखिए ध्यान दें टस, तो टस टीथ कौन सा है, इंसीजर, टस किसमें प्रेजेंट होते हैं, एलिफेंट में, इंसीजर ऐसे जो कंटिन्यूस ग्रोथ क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनकी रूट कैसी होती है, ओपन, इससे इनका टाइप क्या बनता है, ओपन रूट कैनाल टाइप, तो ये टाइप ऑफ टीथ हुआ। अब अपन देखते हैं स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन, नेक्स्ट पार्ट टीथ का, अब अपन देखते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, ये सारा पार्ट एनसीईआरटी बेस्ड हुआ, अभी तक अपन ने जो देखा था वो थोड़ा एनसीईआरटी से हटके था, थोड़ा सा ऊपर था, बट कभी कभी क्वेश्चन इसमें आता है, इसलिए जो बच्चे नीट और एम्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं वो जरूर इस तरह के लेक्चर को डिक्टेट करें, क्योंकि अपना टारगेट केवल 12th वाले स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो वो केवल अपने आप को ऐसा ना समझें कि अकेडमिक पार्ट ही कंप्लीट होगा, ये इस तरह के लेक्चर है जिसमें आप नीट और एम्स में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स अपन देखते हैं, पिछले रिजल्ट देखते हैं तो उनमें मोस्टली बच्चे इस रूट से सेलेक्ट। अब दूसरा अपन देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी वो भी जरूरी है, 12th एग्जाम भी देना है, मैक्सिमम 90% पेपर एनसीईआरटी से आए। अब अगला टाइप अपन देखते हैं ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में टाइप ऑफ टीथ एंड इट्स डेंटिशन, ह्यूमन में अपन देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ डेंटिशन। अब ये क्वेश्चन होता है डेंटिशन माने क्या होता है, डेंटिशन का मीन होता है, डेंटिशन मीन्स अरेंजमेंट, डेंटिशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ, टीथ का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, डेंटिशन। तो टीथ का अरेंजमेंट डेंटिशन जो ह्यूमन में वो कौन से टाइप का होता है, तो अपन देखते हैं कि ये टाइप ऑफ डेंटिशन क्या है, टाइप ऑफ डेंटिशन में अपन देखते हैं पहली बात तो ह्यूमन में जो
टाइप है टीथ का वो कौन सा था? हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या था? जब टीथ का टाइप और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसको हेटेरोडॉन्ट। हेटेरो के बाद में कितनी बार आते हैं टीथ? तो डाई फायरोडॉन्ट मीन्स ट्वाइस टाइम, ट्वाइस टाइम आते हैं तो उसको बोलते हैं डाई फायरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट का मतलब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट हो तो उसके लिए अपन टर्म देते हैं हेटेरो। तो ह्यूमन में हेटेरोडॉन्ट एडिशन भी है और डाई फायरोडॉन्ट एडिशन। थर्ड आता है इसमें थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट का मतलब था कि टीथ बोन से कहां पर अटैच है। तो इसमें क्या होता है, जो टीथ है, टीथ अटैच, टीथ का जो अटैच है, अटैच इन सॉकेट। सॉकेट को ही क्या बोलते हैं? थीकस। इन थीकस ऑफ बोन। तो बोन के अंदर गड्ढे में जब टीथ हो दैट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। तो ये तीन वर्ड याद रखिए, ह्यूमन में टाइप ऑफ डेंटिशन मींस अरेंजमेंट ऑफ टीथ, हेटेरोडॉन्ट, डाइफायरोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट। अब ये जो हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन है, ये देखिए हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब है कि इसमें जो टीथ का टाइप है वो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। तो अपन देखते हैं कि इस फेस पे कितने टाइप के टीथ हो सकते हैं। जैसे जनरली अपन ने देखा था अपर जो एंड लोअर जो, अपर जो एंड लोअर जो, अपर जो और लोअर जो से टीथ अटैच है। अपन ऐसे मान के चलें, ये मान लीजिए अपर जो है और इस अपर जॉ में ये बोन है वो कौन सी है? मैक्स है। और ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ है तो इस लोअर जॉ में, लोअर जॉ को नाम दिया था मैंडिबल। इस लोअर जॉ मैंडिबल होता है, अपर जॉ मैक्सिलर होता है। ये इमेजिनरी बोन है ये वाला पार्ट, ये मैंडिबल है। अब इसमें सॉकेट देखिए अपन, तो देखिए ये अपन हाफ लाइन, अपर जॉ का हाफ पार्ट, लोअर जॉ का हाफ पार्ट। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो टीथ के टाइप यहां एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये अपन ने देखा हेट्रो, हेट्रो में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है उस बेस पे भी कितने टाइप के चार, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब मानते चले ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट इंसीजर के, ये सॉकेट कैनाइन के लिए, और ये मान लीजिए सॉकेट प्रीमोलर के लिए है, और ये सॉकेट मान लीजिए मोलर के लिए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मोलर के लिए कितने सॉकेट हैं? तीन, थ्री सॉकेट मोलर के लिए। इसका मतलब है राइट साइड में कितने टीथ होंगे? तीन, सेम लेफ्ट साइड में थ्री। तो अपन हाफ पार्ट की बात करें, थ्री मोलर के कितने? टू, तो ये टू, कैनाइन का वन, वन दिख रहा है सॉकेट तो एक कैनाइन होगा, और इंसीजर के यहां पर अपन को कितने सॉकेट दिखते हैं? टू। मीन्स इंसीजर हाफ अपर जॉ में टू है, सेम अरेंजमेंट लोअर जॉ पे होगा। मीन्स देखिए तीन सॉकेट ये किसकी है? मोलर, तीनों सॉकेट ये वन टू थ्री, ये तीन सॉकेट मोलर की। इसके बाद में यहां पर इनके आगे दो सॉकेट ये और ये प्रीमोलर, इसके बाद में एक सॉकेट
कैनाइन का, दिस वन फॉर कैनाइन एडर। उसके बाद में टू सॉकेट फॉर प्रीमोलर सॉरी इंसी। तो ये अब आप देख पा रहे हैं अपर जो, ये वाला पार्ट अपर जो, दिस वन इज द अपर जो एंड दिस इज लोअर जो। तो अपर एंड लोअर जो के हाफ टीथ को रिप्रेजेंट किया, हाफ पार्ट। तो इसको अपन जस्ट डबल कर सकते हैं, उससे अपना निकलेगा डेंटल फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला मीन्स होता है नंबर ऑफ टीथ इन अपर जो, नंबर ऑफ टीथ इन अपर जो बट हाफ नंबर, हाफ नंबर। और दूसरा सेम इसमें हाफ नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जो। तो लोअर जो और देखिए अपर जो, लोअर जो में हाफ हाफ, इसलिए आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू से। तो ये है डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला अपन देखते हैं इन चाइल्ड, इन 17 ईयर एंड इन एडल्ट। तो देखिए ये मान लीजिए अपना चाइल्ड का केस है, ये 17 ईयर और ये एडल्ट का केस है। तो इन तीनों में अपन देखते हैं इन केस ऑफ एडल्ट और 17 ईयर एज में और चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का मतलब यहां पर है चाइल्ड मींस बिटवीन 1 to 6 ईयर। 1 to 6 ईयर बच्चों में जो दांत होते हैं जन्म से 6 साल, तो इन टीथ को बोलते हैं मिल्क टीथ। मींस चाइल्ड में बिटवीन 1 to 6 ईयर कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। और इसी को बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, और इसी को बोलते हैं डेसीडुअस टीथ। मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, डेसीडुअस, इसको एक नाम और देते हैं प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ। तो बच्चों में जो दूध वाले दांत होते हैं मिल्क टीथ टेम्परेरी होते हैं, प्राइमरी टीथ होते हैं। कितने साल तक होते हैं ये? 1 to 6 ईयर तक। अब इनका अपन देखते हैं नंबर। तो अकॉर्डिंग टू डेंटल फॉर्मूला, इनका जो डेंटल फॉर्मूला वो देखिए, अपन ने देखा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसके केस में इंसीजर कितने होंगे? प्रीमोलर सॉरी सेकेंड वन कैनाइन, कैनाइन को रिप्रेजेंट अपन कर रहे हैं सी से, और प्रीमोलर पीएम और लास्ट मोलर। ये 4 टाइप के टीथ हैं। इंसीजर से अपन ने आई लिया, कैनाइन का सी लिया, प्रीमोलर का पी लिया और मोलर का एम, ये अपने रिप्रेजेंट किया था। अब आप देखिए नंबर क्या आएगा। 6 साल तक इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, इसको अपन डेंटल फॉर्मूले से देखते। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में है, यानी इंसीजर इसमें देखिए फॉर्मूला पहले लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है 2102 2102। ये इंसीजर है, इसको अपन
यानी कि 2102 अपर जॉ है, 2102 अपर जॉ है, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो आप देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 5, 5 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20, तो 20 टीथ किसमें है, चाइल्ड में, चाइल्ड में हमारा टीथ कितना है 20। अब हम 17 ईयर में देखते हैं, तो 17 ईयर में फॉर्मूला है 2122 अपॉन 2122 मीन्स यहां पर अपन इसको इस तरह से लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है, ये वाला पार्ट यहां पर लिखते हैं, देखिए क्या है इसमें डेंटल फॉर्मूला है 2102 अपॉन 210, ये इंसिजन है, ये कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, हाफ नंबर है तो 2, आप देख सकते हैं ये 5 अपॉन 5 मीन्स 10, 10 अपॉन 10 तो ये हो जाएगा 20, किसके केस में, इसको अपन यहां लिख देते हैं इंटू 2, तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 5 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20। तो जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उन 6 साल तक के बच्चों में नंबर ऑफ टीथ कितना है 20, और इसमें इंसिजर कितने 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर एब्सेंट, तो क्वेश्चन बना 6 साल तक के बच्चों में कौन से टीथ एब्सेंट होंगे, आंसर आएगा प्रीमोलर, मोलर लास्ट में होते हैं ये 2 होते हैं। अब इसके बाद 17 ईयर में जाते हैं, तो 17 ईयर में जो टीथ होते हैं वो 17 ईयर वाले जो टीथ हैं इनका जो नंबर है वो देखिए कितना होगा, डेंटल फॉर्मूले से देखते हैं, ये 2123 इंटू 2 मींस देखिए इंसीजर, अब क्या होगा ये दांत गिर जाते हैं, मिल्क टीथ केवल 6 ईयर तक, उसके बाद में दोबारा से आपने देखिए इंसीजर गिर गया उसकी जगह पर नया इंसीजर आ गया, कैनाइन गिर गया कैनाइन आ गया, प्रीमोलर अभी फर्स्ट टाइम आया, तो देखिए यहां पर क्या होगा, टोटल कितने हो गए हाफ 3 प्लस 2 प्लस 1 मींस 5 प्लस 1 6 अपॉन प्लस 2 8 मींस 8 अपॉन 8 इनटू 2 मींस ये कितना हुआ, सॉरी 3 5 6 2122 मींस कितना हुआ 4 प्लस 1 7 अपॉन 7 मींस 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू 28 टीथ प्रेजेंट होते हैं 17 ईयर वाली एज में, मतलब 20 दांत गिर गए उनकी जगह पर नए दिशा, लेकिन 20 गिर गए उनकी जगह पर 20 आ गए, पर एक्स्ट्रा कितने हो गए प्लस 8 28 हो गए, तो 8 कौन है, 8 होते हैं देखिए 2 इंटू 2 4 4 प्लस 4 8 मींस इसमें एक्स्ट्रा टीथ 17 ईयर एक्स्ट्रा टीथ कितने हैं 8, 8 कौन है प्रीमोलर, प्रीमोलर ये आप देख 17 ईयर में 20 दांत थे वो गिर गए उनकी जगह पर नए दांत कौन से आए प्रीमोलर, वो कितने 8। अब ये वाले दांत पहली बार आ रहे हैं तो कौन सा डॉन्ट होगा मोनोफायोडोंट मींस एक बार दिख रहे हैं। अब आता है एडल्ट का केस, एडल्ट में 2 1 देखिए बच्चों में गिर गए थे उनकी जगह
ये कौन से थे टेम्परेरी। अब परमानेंट टीथ में क्या है, 2 1 2 2 1 2 3, ये देखिए 2 1 2 3, 2 1 2 3 है, मल्टीप्लाइड अपन 2 से करेंगे, हाफ नंबर है तो आप देखिए कितना हो रहा है, 8 अपॉन 8 इंटू 2 मीन 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू 30। अब एडल्ट में 32 टीथ है, देखिए चाइल्ड में 20 थे, 17 ईयर में प्लस कितने हुए 8, वो कौन थे मोलर, इससे मोनोफाइड होने हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में देखिए मोलर उतना ही है, अभी इससे पहले सॉरी प्री मोलर उतना ही है 2, बट मोलर इससे पहले 17 ईयर था 2 3, टोटल देखें तो कितना होगा 2 इंटू 2 यानी 4 8 8, एक ही प्रीमोलर है और एक ही मोलर है। अब इसमें 2 तो थे ही, प्लस में बड़ा है मींस इसमें एक्स्ट्रा, देखिए 28 तो है ही, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 28 के बाद 32 हुआ, मींस एक्स्ट्रा इसमें टी कितने हैं, एक्स्ट्रा टी कितने हैं 4। अब वो 4 कौन है जल्दी से बताओ, 4 कौन है, प्रीमोलर या मोलर। मोलर का नंबर आप देखिए कितना हो रहा है 3, पहले कितना था 2, इसका मतलब है 2 तो थे ही, प्लस 1 हुआ मींस 1 अपॉन 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 क्या आ गया ये मोलर। अब ये मोलर 4 मोलर हैं, ये वाले ए बी वंस टाइम अपीयर हुए तो ये भी कैसे हैं मोनोफायड, जो एक बार आता है उसको क्या बोलते हैं मोनोफायड। तो आप देखिए ह्यूमन में 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, ये एक बार आते हैं और इस और बाकी रिमेनिंग जो इंसाइजर और कैनाइन है वो 2 टाइम्स आते हैं। तो 20 टीथ कैसे हैं, डाइफाइडोन और 12 टीथ 8 प्लस 4 12 टीथ कैसे हैं मोनोफाइड। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, यहीं से आता है क्वेश्चन, विजडम टीथ, विजडम टीथ क्या होता है, इसको विजडम टीथ को अपन जनरली बोलते हैं अक्कल दांत, अक्कल दांत, अक्कल दांत का मतलब होता है इनके आने से अक्ल आ जाती है, ऐसा कहते हैं। अक्ल कब आती बताओ जरा, 17 साल के पहले या 17 साल के बाद, तुम लोगों को तो 17 साल के बाद भी नहीं आती, ये देख लो 17 साल के बाद अक्ल आती, कुछ मैं तो आती नहीं, कुछ तो हमेशा मधु बने रहे। अब आप देखो, अब अपने काम करके देखना तो मैं कितने की, अभी पता लग जाएगा भोलू हो या नहीं, ऐसा तो नहीं भोलू के अलावा भी और एक और इससे बड़ा वाला होता है झुमरू, तो झुमरू तो नहीं होगा, देख सकते हो विजडम टी, विजडम टी कौन से होते हैं चलो इसमें से देखते हैं, विजडम टी इसको अक्कल दार बोलते हैं अपन, ये एक्चुअल में विजडम टी कौन सी है, लास्ट लास्ट मोलर, ये लास्ट मोलर कितने, लास्ट मोलर जिनका लास्ट मोलर तो है बट इनका नंबर कितना है 4, लास्ट 4 मोलर ये कब आते हैं 17 के बाद, तो 17 के बाद आते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, पैसा मानते हैं कि इनके आने से थोड़ा सा समझदारी आ जाती है, अकाल आ जाती है, सो कॉल्ड अक्कल दांत। अक्कल दांत कब आएगी आपका 17 ईयर, और 17 ईयर के बाद कौन से दांत एक्स्ट्रा में आते हैं मोलर, वो कितने 4, तो उन 4 मोलर को क्या बोलते हैं विजडम टीथ। तो ये जो टाइप टीथ है ये एक्चुअल में टाइप ऑफ टीथ है। अब इनमें से ये अपने जो दांत हैं, जैसे मैंने कहा अपना जो डेंटल फॉर्मूला ये है, और अपन ने टाइप ऑफ टीथ कौन सा है हेटरोडॉन्ट है, हेटरोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट हो, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर मैंने दांतों को देखा कितने टाइप है, यानी अपना टाइप कितना है, टाइप के बाद में उसका शेप कैसा है, कि हिसाब में चार्टना राइट साइड बेस्ड है, और इसमें रूट कितनी होती है, और रूट के साथ साथ इनका फंक्शन क्या होता है, ये चार्ट मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, टाइप ऑफ टीथ कौन सा, शेप कैसा, रूट कैसा, फंक्शन कैसा।
ये वाला चार्ट मेरे साथ है। टाइम मैप में सबसे पहले कौन सा देखा? इंसिजर। इंसिजर का शेप कैसा होता है? चीजर। चीजर शेप होता है इसका, थोड़ा सा शार्प होता है। इसमें रूट वन होती है और इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअल में इसका फंक्शन है ग्रेविंग। ग्रेविंग का मतलब होता है कटा, जैसे रैबिट मींस ये किस में ज्यादा ज्यादा होते हैं, ये वेल डेवलप, ये टीथ वेल डेवलप, वेल डेवलप इन हर्बीवोरस। जितने भी हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस, इन हर्बीवोरस में ये टीथ ज्यादा डेवलप होते हैं। कौन से? इनसी। इनसीजर का शेप कैसा होता है? चीजर। रूट कितना है? वन। जब इसको निकालेंगे तो इसमें वन रूट निकलती है और फंक्शन क्या है इनका? कट करना, नेविंग, और ये इसमें डेवलप में हर्बीवोरस में जैसे रैबिट कैटल्स। कैनाइन, कैनाइन एक्चुअल में ये शार्प होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड। शार्प एंड पॉइंटेड मींस इस तरह से होते हैं, ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं। इसी अब शार्प एंड पॉइंटेड है, इसमें रूट का नंबर भी वन है और इनका फंक्शन होता है टीएल, मतलब चीड़ पड़ता टीएल। तो ये कौन से इंपल में ज्यादा डेवलप होंगे? ये वेल डेवलप इन कार्निवोरस। ये कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होते हैं, देखा हो कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होते हैं। अब आता है प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर एंड मोलर में इनका जो शेप है, ये एक्चुअल में इनका जो कस्प है, ये ब्लंट, इनका कस्प कौन सा होता है? ब्लंट। और इसमें रूट का नंबर देखें तो इसमें टू होती है और इसमें थ्री टू फोर हो सकती है मोलर। रूट के बाद में फिर अपन इन दोनों को मिला के देखें, इन दोनों का जो फंक्शन, इन दोनों का फंक्शन है सेम फंक्शन होता है दोनों का, ग्राइंडिंग। तो इनको ग्राइंडिंग टीथ भी नाम देते हैं, चोइंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ नाम देते हैं। अब ये तो हुआ टाइप ऑफ टीथ, शेप, रूट एंड इट्स फंक्शन। बट एक क्वेश्चन और आता है इसमें विजडम के बाद, इससे रिलेटेड टर्म एक और है जिसको अपन नाम देते हैं डायस्टर्मा। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखो डायस्टर्मा। डायस्टर्मा के बारे में ऑप्शन देता है, वो देखिए क्या क्या देता है। वो पूछता है डायस्टर्मा इज फाउंड इन, चल डायस्टर्मा फाउंड इन रैबिट, पहला क्वेश्चन ये बना रैबिट के केस में पाया जाता है। पर डायस्टर्मा होता है, डायस्टर्मा के टाइप ऑफ टीथ है? डायस्टर्मा इज द स्पेस। डायस्टर्मा कोई टाइप ऑफ टीथ नहीं है, टाइप ऑफ डेंटिशन नहीं है, डायस्टर्मा इज द स्पेस। स्पेस, स्पेस इन बिटवीन, ये स्पेस किस किस के बीच में होता है? इन बिटवीन इंसिजर एंड प्रीमोलर। इंसिजर एंड प्रीमोलर, देखिए यहां इंसिजर ये रहा, प्रीमोलर ये रहा, इसका मतलब है इसमें क्या एब्सेंट है? कैनाइन। मीन्स इंसिजर और प्रीमोलर के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? डायस्टर्मा। इट मीन्स कैनाइन एब्सेंट। तो जो रैबिट का केस, मीन्स रैबिट, रैबिट में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं? कैनाइन। और कैनाइन की एब्सेंस है, एब्सेंस से जो स्पेस बनता है, यानी जो स्पेस इन बिटवीन इंसिजर एंड कैनाइन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैनाइन, याद रखना थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है बट समझ सकते हो मैं बोल रहा हूं। डायस्टर्मा इज द स्पेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैनाइन, कैनाइन एब्सेंट इन द रैबिट, सो डायस्टर्मा इज फाउंड इन द रैबिट। ये डायस्टर्मा डेंटिशन का टाइप नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये स्पेस है
इंसीजर और प्रीमोलर देख सकते हो। इंसीजर फर्स्ट होते हैं, उसके बाद में कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, बट कैनाइन एब्सेंट क्योंकि हैवी मोलर्स है, और कैनाइन की एब्सेंस से जो स्पेस बनता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड टेस्ट। तो ये जो अपना टाइप ऑफ टीथ है ये हुआ। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टीथ भी आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ अपन टाइप स्पेशल टाइप ऑफ टीथ देखते हैं। इसमें जैसे नाम सुनाओ कभी, ये अपन टाइप ऑफ टीथ देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। इसमें एक नाम सुना होगा बोनोडॉन, सेकेंड लोफोडॉन और थर्ड सीकोडॉन्ट, और एक होता है फोर्थ सेलिनोडॉन। कितने टाइप? चार। इन चार टाइप में देखिए बोनोडॉन, बोनोडॉन फाउंड इन द प्राइमेट स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन, लोफोडॉन प्रेजेंट इन द एलिफेंट, एंड सीकोडॉन इन हॉर्स, एंड सेलिनोडॉन इन डॉग। ये कौन से टीथ है, किस बेस पे? कस्प के बेस पे, कस्प के बेस पर। तो कस्प के बेस पर जो अपना टीथ है उसे टीथ का कस्प। तो इसमें एक्चुअली कस्प कैसा होता है वो देखते हैं इस बोनोडॉन में। इसमें कस्प फॉर एग्जांपल ये कस्प कैसा होता है, राउंडेड एंड स्मूथ कस्प, तब उसको बोलते हैं बोनोडॉन। लोफोडॉन में क्या होगा वो देखिए, लोफोडॉन में क्या होता है सारे कस्प मिलकर, इन लोफोडॉन में सारे कस्प मिलकर के बड़ा कस्प बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड लोफोडॉन। लोफोडॉन फाउंड इन एलिफेंट। सीकोडॉन में क्या होता है, इसमें भी कस्प राउंडेड एंड स्मूथ होते हैं, ये भी इसके लिए होती है फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, जैसे ग्रास है, हॉर्स है, ग्रास खाता है तो उसको प्रेस करता है, ग्राइंड करता है। सेलिनोडॉन में क्या होता है, कस्प शार्प होता है, तो कस्प शार्प होने से ये एक्चुअल में जो फ्लैश है, टीथ है, उसको कट करने में हेल्प करता है। तो इतना याद रखिए, अभी सेलिनोडॉन इन द डॉग, सीकोडॉन इन द हॉर्स, लोफोडॉन आ चुका है एलिफेंट, बोनोडॉन इन केस ऑफ ह्यूमन। ये जो चार टाइप ऑफ टीथ है ये किस बेस पर है, टीथ की अपर सरफेस, दिस इज कॉल्ड कस्प। जैसे अपन अपने टीथ को देखते हैं, जनरली ह्यूमन बींग्स में अपन देखते हैं प्रीमोलर एंड मोलर, तो जैसे ये अपर पार्ट टीथ की है अपर सरफेस, दिस वन इज द अपर सरफेस, और इस में ये इसकी क्या होती है रूट, इसकी रूट पार्ट, इसकी रूट है, और ये पार्ट एक्चुअल में क्या होता है कस्प। तो अपर सरफेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड कस्प। कस्प कैसा है, राउंडेड एंड स्मूथ, और राउंडेड एंड स्मूथ कस्प होता है तो उसके लिए टर्म क्या देते हैं, बोनोडॉन। तो ह्यूमन के केस में जो टाइप ऑफ टीथ ऑन बेसिस ऑफ कस्प कैसा होता है, बोनोडॉन। तो ये जो एक्चुअल में क्या था, टाइप ऑफ टीथ और उसका स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको थोड़ा सा डिटेल याद रखना है। ओके okay?